Hey everyone, welcome back to my channel. स्वागत है आपका नए ब्लॉग में. तो मैं जा रही हूँ सरिस्का टाइगर रिजर्व. ये मेरा पहली बार है और आधा रास्ता आ चुकी हूँ. दिल्ली से निकली थी मैं 1 o'clock पे एंड राइट नाउ इट्स 2:46 और हम नीमराना के आसपास हैं. लाइक इट्स द बॉर्डर ऑफ नीमराना और हमने यहाँ पे लंच ब्रेक लिया है. तो मैंने सोचा इंट्रो शूट कर लेती हूँ. स्टे ट्यून क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारा फन करने वाले हैं एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन. सो या कीप वॉचिंग एंड आई विल शो यू एवरीथिंग. और दिखाती हूँ मैं कि कहाँ पे हम रुके हैं. सो ये ओल्ड राव होटल है. ये मानेसर के आसपास भी पड़ता है और ये नीमराना के पास भी पड़ता है. सो हम नीमराना के पास वाले में रुके हैं. चलिए अंदर देखते हैं. काफ़ी तारीफ सुनी है मैंने इसकी, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं. ओल्ड राव होटल ना ही एक सिर्फ रेस्टोरेंट है बट फूड कोर्ट जैसा है जहाँ पे ज्ञानीज हैव मोर और कई तरीके के कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं. यहाँ की स्पेशलिटी यहाँ का इंडियन फूड है. तो हमने गट्टे की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर करी थी आलू कुलचे के साथ जो कि काफ़ी यम थी. बाहर भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं तो आप ट्रैवल एसेंशियल्स स्नैक्स या बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट या सामान से आप वहाँ से बाय कर सकते हो. दिल्ली टू सरिस्का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स है तो करीब 4.5 घंटे से 5 घंटे के बीच में लग जाता है अगर आप आधे एक घंटे का बीच में ब्रेक लेते हो तो. रोड्स भी अच्छी हैं सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो गाइज आई हैव रीच्ड माई अकोमोडेशन इन सरिस्का और मैं यहाँ पे रुकी हूँ गुलमोहर सरिस्का रिजॉर्ट पे और मैं आपको दिखाऊंगी इस रिजॉर्ट के बारे में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. बट फॉर नाउ लेट्स गो एंड सी कि मेरा रूम कैसा है. गुलमोहर सरिस्का काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा एंड ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है. यहाँ पे मैं स्विस टेंट्स में रुकी थी. इसके अलावा कॉटेजेस एंड रूम्स के भी ऑप्शन हैं यहाँ पे. एवरीवन गुड मॉर्निंग. सो इट्स 6:15 राइट नाउ और हम हमारी मॉर्निंग सफारी के लिए निकल रहे हैं. सो इट्स ऑल डार्क बट हियर इट लुक्स सो नाइस एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. पिछली बार अगर आपने ब्लॉग देखा है और अगर आपने रील्स देखी होंगी मेरी जिम कॉर्बेट वाली जो कि मैं लास्ट मंथ गई थी तो मुझे मैं सफारी नहीं जा पाई थी. सो मुझे रास्ते में लाइक व्हेन आई वाज कमिंग टुवर्ड्स द स्टेशन मुझे रास्ते में टाइगर दिखा था. सो क्योंकि मैं फिंगर्स क्रॉस किया कि यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली सबको टाइगर्स दिख जाते हैं. सो लेट्स सी एंड लेट्स गो. सरिस्का टाइगर रिजर्व के दो एंट्रेंस हैं यानी कि दो गेट्स हैं. गेट नंबर 1 जो कि सरिस्का गेट कहलाता है एंड गेट नंबर 2 इज टहला गेट. तो ये जो आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 1 है यानी कि सरिस्का गेट और हमने अपनी सफारी शुरू करी यहीं से एंड दैट्स माय राइड फॉर द डे. सो गाइस वी आर जस्ट अबाउट टू बिगिन द सफारी राइट नाउ कि हमें टाइगर दिख जाए. सो गाइज अभी हम यहाँ पे रुके थे. यहाँ पे हमारी IDs चेक हुई हैं. दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द टाइगर रिजर्व. बहुत ठंड है भाई अभी. सो नाउ वी आर एंट्रिंग द जंगल. सो गाइज वी आर इन द मिडल ऑफ द जंगल राइट नाउ. आई डोंट नो इफ आई एम ऑडिबल बट वी आर बीइंग स्लो एंड हम यहाँ पे लेक के पास थोड़ा सा वेट कर रहे हैं. जो हमारे ड्राइवर भी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे मूवमेंट स्पॉट हुआ है, लोगों ने बताया है. तो वी आर जस्ट वेटिंग. जो लेक के पास हम वेट कर रहे थे वहाँ पे तो हमें कुछ नहीं दिखा बट पीछे ये वाली जिप्सी ने अभी यहाँ पे एक लेपर्ड देखा है और वी आर जस्ट वेटिंग एंड अगेन. गाइज अभी हम आ गए हैं फॉरेस्ट चौकी में. ये बिल्कुल फॉरेस्ट के सेंटर में बना हुआ है और हम यहाँ पे एक पिट स्टॉप टाइप का लिया है टू फ्रेशन अप और अगर कुछ ऐसे चेकआउट करना है या कुछ ऐसे चाय वाय पीनी है. बट राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग इट एंड आई जस्ट स्पॉटेड अ पीकॉक. आई डोंट नो इफ दैट्स विजिबल. यस यस ये रहा.
सो या अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं है. एक नील गाय दिखी थी विच इज़ वेरी कॉमन. इसके अलावा हमको बहुत सारे पिजन्स एंड पीहंस दिखे थे एंड डियर भी नहीं दिखा है सो फार. बट आई डोंट नो, लेट्स सी. अभी हमारी आधी सफारी हुई है, अभी आधी और बची है एंड आई एम होपिंग कि कुछ तो दिख जाए. सो या लेट्स होप कि यहाँ से वापस हम डिसअपॉइंटेड नहीं जाएंगे. देखो डियर की बात कर रही थी और डियर दिख गए एंड यहाँ पे बहुत सारे थे. इस लेक के पास हमने क्रोकोडाइल भी स्पॉट करा. एंड नाउ आई एम रिमूविंग ऑल द वॉइसेस जस्ट टू मेक यू एक्सपीरियंस द जंगल नॉइस. कितना पीसफुल एंड अमेजिंग था ना. चलो इसी बात पे एक कमेंट तो बनता है बॉस. सो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं टाइगर सफारी से. टाइगर तो ऑब्वियसली नहीं दिखा लेकिन लेपर्ड की झलक दिखी थी. ऑल्दो मैंने बहुत कैमरा रेडी रखा था बट वो इतना दूर था कि जूम करती तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं है. तो मेरे पास क्लिप नहीं है. और बाकी हमने जेकॉल देखा, जेकॉल डियर का शिकार कर रहा था वो देखा एंड वी स्पॉटेड अ क्रोकोडाइल ऑल्सो. देयर इज अ लेक इन बिटवीन, तो काफ़ी अच्छा था. बीच में एक एरिया आता है, आपने देखा होगा क्लिप में मैंने डाला था, जहाँ पे पाइन ट्रीज हैं, तो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. मैंने जो टाइगर सफारी बुक करवाई थी वो सरिस्का वाइल्ड वेंचर्स से बुक करवाई थी. मैं लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के ओल्डेस्ट सफारी ऑर्गेनाइजर्स हैं और काफ़ी हैसल फ्री है. इनका व्हाट्सएप नंबर भी वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप फॉर्म भी भर के कर सकते हैं. कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी बजट फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा नहीं है. दो ऑप्शंस हैं, आप जिप्सी से जा सकते हो या आप कैंटर से जा सकते हो. हम जिप्सी से गए थे एंड आई वुड सजेस्ट जिप्सी से ही जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. कैंटर बहुत नॉइज़ करता है, तो मुझे लगता है कि अगर हम जब पहुँचने वाले होंगे अगर कैंटर से जाएंगे तो यू नो जानवर भाग जाते होंगे. मे बी आई एम नॉट श्योर, आई मे बी रॉन्ग. तो मुझे लगता है जिप्सी में कम लोग होते हैं, थोड़ी नॉइज़ भी कम होती है, तो ईजिली कहीं भी छोटी छोटी नैरो लेन से निकल सकते हैं. सो माई एक्सपीरियंस विद सरिस्का वाइल्ड वेंचर्स वॉज रियली रियली गुड. आई गिव देम थम्स अप, आई गिव देम 5 stars एंड आई हाईली रिकमेंड इट टू यू ऑल. राइट नाउ वी आर बैक टू दिस प्लेस. यहाँ पे हम टिकट्स बुक कर लेते हैं. मैं आपको क्विकली यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे कर सकते हैं. सो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास सफारी के. एक मॉर्निंग सफारी होता है, एक इवनिंग सफारी होता है. जो मॉर्निंग सफारी होती है उसकी 6 बजे से 10 बजे या 9 बजे तक होता है समर्स का टाइम एंड विंटर्स का टाइम सेम आगे पीछे होता है 7 से 10. इवनिंग 2 से 5 या 3 से 6 ऐसा होता है. तो आप एक बार कन्फर्म टाइमिंग्स, क्योंकि चेंज होते रहते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, तो आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन. मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, ब्लॉग पे भी डाल दूंगी, सो आप लोग आराम से कर सकते हैं. यहाँ से भी हम टिकट बुक करा सकते हैं. लेट मी शो यू, यहाँ से भी हम टिकट बुक करा सकते हैं. बट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर यहाँ पे, क्योंकि बहुत भीड़ होती है और बहुत लंबी लाइन लगती है, तो मुझे लगता है कि आपको ऑनलाइन बुक करवा लेना चाहिए. देर आर सो मैनी यू नो ऑप्शंस एंड माई प्रेफरेंस ऑल्सो आई हैव गिवन. मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था. बहुत सिंपल होता है, आपको पैसे पे करने होते हैं और आपको आधार कार्ड देना होता है एंड देन आपको बुकिंग मिल जाती है. यहाँ पे आपको जब आपके कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको कार्ड नंबर बता देते हैं एंड देन यू आर सॉर्टेड. सो या दिस इज़ रियली नाइस. यहाँ पे एक सोवेनिर की शॉप भी है आई थिंक. ये काफ़ी अच्छा है. अंदर क्या है यहाँ पे? ओके बंद है. ओके ऐसे मैं खुद से खोलूं? ओके सो ये म्यूजियम है और मैं आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज, दिस वाज इनॉग्यूरेटेड बाय दिस. ये बोल रहे हैं कि आप जाओ और खुद से खोल लो, तो चलते हैं अंदर म्यूजियम को. क्योंकि उन्होंने बोला कि खुद से जाके देख लो, देर इज़ नो टिकट ऑब्वियसली,
ये बाहर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था एंड छोटी सी सोविनियर शॉप है, तो चलो अंदर देखते हैं क्या है। बहुत बड़ा ये म्यूज़ियम तो नहीं था बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग म्यूज़ियम्स क्यों स्किप कर देते हैं, ये बिल्कुल खाली पड़ा था, लोग नहीं जाते, बट एक्चुअली जाना चाहिए क्योंकि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस जगह के बारे में। सो नेवर स्किप म्यूज़ियम्स। आई रियली होप यू लाइक द व्लॉग, इफ सो गिव मी अ थम्स अप, एंड अगर कुछ कहना है तो कमेंट करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड आई विल टॉक बैक सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, ट्रैवल responsibly, and bye-bye.